जो बच्चे ओ लेवल करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। और अगर आप 12th पास हो चुके हैं, आफ्टर 12th एक अच्छा कोर्स कंप्यूटर के फील्ड में अगर आप करना चाहते हैं तो आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा कोर्स कंप्यूटर के फील्ड में माना जाता है और बेहतरीन कोर्स है। आफ्टर 12th आप इसको कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी जो है इसकी आफ्टर 12th है, यानी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर ली है, सिर्फ पास कर ली है, परसेंटेज का भी कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपने पास कर लिए है अगर 12th पास, तो आप इसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम कब होते हैं, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट कब आता है, प्रैक्टिकल भी होते हैं, थ्योरी के एग्जाम भी होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड, तो किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस है सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा। बाकी आप जो है अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इसमें, ठीक है। क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज होता है कि मैं रजिस्ट्रेशन तो कर लेता हूँ लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे कैसे अपडेट मिलेगी कि कब क्या होना है, कब एग्ज़ाम होने हैं, कब प्रैक्टिकल होने हैं, कब रिजल्ट आना है, कब एडमिट कार्ड आना है, तो इस तरीके से बच्चा जो है कन्फ्यूज रहता है भाई। तो कन्फ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले बता दूं कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 सितंबर है, यानी आपके पास लगभग एक महीने का समय है। आप एक महीने के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और रजिस्ट्रेशन लास्ट टाइम पे जो बच्चे कराते हैं उनको दिक्कत हो सकती है, साइट बिजी हो जाती है, कोई भी आपकी पेमेंट रुक सकती है, कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब यह है। तो जो बच्चे ओ लेवल करना चाहते हैं, इसमें अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, कर लीजिए, 30 सितंबर लास्ट डेट है भाई। चाहे आप डायरेक्ट करो या इंस्टीट्यूट से करो, डायरेक्ट अच्छा होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप डायरेक्ट करिए, और डायरेक्ट करने के साथ साथ फ़ायदा ये रहेगा आपको कि आप कोई और कोर्स या कोई एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हो, कोई जॉब कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट का मतलब है आपको कहीं पर नहीं जाना, सिर्फ घर पर रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी आप इसके साथ साथ कोई भी काम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई पढ़ाई, जैसे आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे हो रेगुलर, तो रेगुलर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, कुछ भी आप कोर्स कर रहे हो, तो आप जो है इसको ओ लेवल को साथ साथ कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि आप बीए के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि भाई आफ्टर 12th आप इस कोर्स को कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि बीए के इक्वल हो जाएगा कि दोनों डिग्री एक साथ नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है। तो इसलिए जो बच्चे करना चाहते हैं आफ्टर 12th कंप्यूटर के फील्ड में, अगर आपसे मैं कहूँ सबसे ज़्यादा फेमस पॉपुलर कोर्स है ओ लेवल कोर्स, ठीक है। CCC ECC BCC जितने भी कोर्स हैं, छोटे कोर्स हैं सारे, और इन सबसे बड़ा कोर्स ओ लेवल होता है। इससे ज़्यादा फेमस और इससे ज़्यादा अच्छा कोर्स मैं नहीं मानता। चाहे आप किसी भी कंप्यूटर फील्ड में देखो, या जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसमें आप देख लो, या तो ITI कोपा या इक्वल लिखा होता है ओ लेवल, तो इसलिए ओ लेवल आप करिए। तो ओ लेवल के जो है प्रोसेस क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन जो चल रहे हैं आपके, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है ये आपका डाउट हो सकता है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, इसी वाली में एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जैसे आप जाओगे ओ लेवल कोर्स की उस पर आप जाओगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ, नेलेट लिखना है गूगल क्रोम पे, nelet.gov.in, उस पर आपको स्टूडेंट पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, उस पर जाओगे आप, उस पर जाके आप ओ लेवल में अप्लाई कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना। वहाँ पे आपको 500 रुपये की फ़ीस पे करनी होगी, अभी 500 रुपये की अभी फ़ीस पे करनी होगी। जैसे आप फीस पे करते हो तो लगभग 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपके मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। अभी तुरंत नहीं आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते के बाद भी आ सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी रजिस्ट्रेशन कर लो, बाद में लेट हो जाएगा। तो आपके फ़ोन पे, मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे, जो आप ईमेल दोगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना जो आपकी एक्टिव हो, और उसके अलावा आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन फिल करोगे, जैसे नेम, फादर नेम, DOB, मदर्स नेम, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होंगी, वो सारी की सारी सही फिल करना, क्योंकि बाद में आप उनको करेक्शन नहीं करा सकते, और कराओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए सही से फिल करें अभी, ठीक है। तो जैसे अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे 500 रुपये की फ़ीस पे करने के साथ साथ, ठीक है भाई, तो अब आपका आगे क्या करना है, तो अभी चल जाएगा आपका अगस्त चल रहा है, सितंबर चलेगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट में जैसे इसमें 4 पेपर होते हैं ओ लेवल में, तो अक्टूबर के लास्ट में पेपर लॉक का ऑप्शन आता है, ठीक है। एग्जामिनेशन लॉक करने हैं आपको, तो लॉक करने का मतलब यह है कि आप 4 में से कितने पेपर देना चाहते हैं। जैसे 4 पेपर होते हैं इसमें और 4 प्रैक्टिकल, यानी जिस मॉड्यूल का आप पेपर दोगे उसी का प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल अलग से कोई वो नहीं है, उसी का पेपर का होता है। तो भाई जैसे 4 पेपर होते हैं, तो नेलेट ये पूछता है आपसे कि आप 4 में से कितने पेपर देना चाहते हो। क्या आप एक देना चाहते हो, एक भी दे सकते हो, दो देना चाहते हो, दो भी दे सकते हो, तीन देना चाहते हो, तीन भी दे सकते हो, चार देना चाहते हो, चार भी दे सकते हो, ठीक है। तो 4 भी दे सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि आप 4 नहीं दे सकते एक बार में, 4 भी दे सकते हो। जितनी आपकी तैयारी है, जितने पेपर की आपने तैयारी करी है, उतने पेपर आप इसमें दे सकते हो। एक नई बात मैं आपको और बता दूं, जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके एग्ज़ाम होंगे जनवरी 2025 में,
में, ठीक है। एग्ज़ाम लॉक हो जाएंगे आपके अक्टूबर के लास्ट में, फिर अक्टूबर के लास्ट में फिर आपका चलेगा मतलब नवंबर चल जाता है, नवंबर और दो दिसंबर दो महीने आपको पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। पढ़ने का समय तो आपके पास अभी भी है, अभी से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलो आपको फिर टेंशन या फिक्र हो जाती है कि आप पेपर लॉक हो चुके हैं, अब एग्ज़ाम होंगे। तो जनवरी 2025 में पहले थ्योरी के या पहले प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद आपके जिसके जैसे प्रैक्टिकल के हुए तो थ्योरी के होंगे बाद में, और थ्योरी के होंगे तो प्रैक्टिकल के होंगे। हो सकता है फरवरी के स्टार्टिंग में हो जाए या जनवरी के लास्ट में हो जाए, वैसे फरवरी के स्टार्टिंग में ही हो सकते हैं क्योंकि एक महीने जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो 15-20 दिन बाद प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम शुरू होते हैं आपके। तो इसी तरीके से जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, एग्ज़ाम लॉक होंगे अक्टूबर के लास्ट में, जैसे मैंने आपको बताया था पेपर लॉक का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम लॉक का मतलब बता चुका हूँ कि चार में से कितने पेपर देने हैं। एक बात और सुनो, जैसे चार पेपर आप दे रहे हो या चार में से आप दो दे रहे हो तो उन दोनों का प्रैक्टिकल भी देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम सिर्फ दो और प्रैक्टिकल आप कभी फिर और दे लो आगे चल के, ये ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके आपके प्रैक्टिकल भी पास करने होंगे, तभी आप पास माने जाओगे। एक नई बात और सुनो, इसमें जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन करोगे, ये रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल तक वैलिड होता है, यानी आप 5 साल के अंदर अंदर अपने पेपर पास कर लो। ऐसा नहीं है कि जनवरी 2025 में ही पास करने पड़ेंगे आपको चारों पेपर या दो पेपर, बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं है। नैलेट कहता है कि 5 साल का समय है आपके पास और 5 साल के अंदर अंदर आप कभी भी पास करा सकते हो। अगर ऐसा हुआ कि 5 साल के अंदर भी पास नहीं हुआ या कोई ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हो, उसकी 1000 रुपये फ़ीस लेता है नैलेट। 1000 रुपये फ़ीस लेने के साथ साथ आपकी 1 साल की वैलिडिटी या 2 साल की वैलिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे भी है, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर बच्चा पास कर लेता है इजिली, इतना कठिन भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ काम आ गया या कोई आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आप नहीं करना देना चाहते पेपर जनवरी 2025 में, तो आप जुलाई 2025 में दे सकते हो। 1 साल में 2 बार इसके पेपर होते हैं और 1 साल में 2 बार ही इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा फ्री हो या जब बच्चे को लगता है कि हाँ मैं साथ साथ पढ़ाई कर रहा हूँ इसकी भी और मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, तो बिल्कुल जो है आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। 5 साल के अंदर अंदर आपको पूरा 4 पेपर 4 प्रैक्टिकल पास करने होंगे और एक प्रोजेक्ट भी होता है, वो भी आपको सबमिट कराना होगा। प्रोजेक्ट हम सबमिट कर देते हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, प्रोजेक्ट की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो आफ्टर 12th इसको अगर आप करना चाहते हैं तो फीस की बात आ जाती है कि फ़ीस कितनी लग सकती है। तो फीस देखिए मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करते हैं जो रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, तो भाई इंस्टीट्यूट अपनी अपनी अलग अलग फीस लेते हैं। मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं आज के 20,000 मांग रहा है, कोई 21,000, कोई 30,000, तो इंस्टीट्यूट की फीस होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना कोई और कुछ कर सकता, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट की फीस है, वो अपने आप ही अपनी फीस बढ़ाते हैं, घटाते हैं या लेते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा मान के चलना कि 20,000 से 25,000 तक जो अच्छा इंस्टीट्यूट होगा वो लेगा अपनी फीस, ठीक है, पढ़ाने कि आपको कोचिंग की फीस, ठीक है। लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए फ्री गवर्नमेंट योजना चलाती है जिसमें ओ लेवल और ट्रिपल सी की फ्री कोचिंग आपको दी जाती है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसकी आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। इसके फॉर्म जो निकलते हैं, इसके फॉर्म निकलते हैं जुलाई में, ठीक है, हर साल जुलाई में फॉर्म निकलते हैं। आप उस फॉर्म को अगर फिल करते हैं तो आपका अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको कोचिंग गवर्नमेंट फ्री देगी, बस आपको नैलेट की फीस देनी होती है। अब बात कर लेता हूं मैं डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में कि डायरेक्ट कैसे कर सकता है। तो डायरेक्ट अगर आपको करना है तो डायरेक्ट के लिए भाई आपको जो है अपना, जैसे मैंने आपको बताया अभी रजिस्ट्रेशन करना है आपको, रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आपके पेपर लॉक हो जाएंगे अक्टूबर में। अब फीस 500 रुपये तो आपको अभी देनी है, 500 तो ये, ठीक है, और जो पेपर होते हैं चार, उस चार पेपर की 4400 रुपये आपको फ़ीस देनी होती है, ठीक है, 4400 रुपये फीस आपको देनी होती है। अगर आप एक एक पेपर दोगे तब 4400 देनी है, अगर आप दो पेपर एक साथ देते हो, दो दो करके देते हो, तो आपको सिर्फ 2100 रुपये देने हैं, फिर 2100 देने हैं, यानी 4200 रुपये देने हैं सिर्फ आपको, ठीक है, फिर आपको सिर्फ 4200 देने हैं, फिर आपको जो है 4400 नहीं देने हैं। तो 4400 ना मान के मैं 4200 मान के चलता हूँ कि आप दो दो पेपर दोगे, तो 4400 में अगर मैं जोड़ देता हूँ 500 रुपये और, तो ये 4700 हो जाते हैं, ठीक है। 4400 और 5 आपके कितने हो जाते हैं, 4400 और 5 आपके 4900 हो जाते हैं, 4900 हो जाते हैं, लेकिन 4400 नहीं, यहाँ पे मुझे 4200 जोड़ना है, क्योंकि 4200 इसलिए क्योंकि आप दो दो पेपर करके दोगे इस तरीके से, तो 4700 रुपये आपके हो जाते हैं पूरे। और 4700 में आपकी प्रोजेक्ट की फ़ीस मान के चलता हूँ मैं कुछ, ठीक है, उसके अलावा बुक्स के जो आप लेके आओगे, बुक्स वगैरह पढ़ोगे लाके मार्केट से, तो वो मोटा मोटा मान के चलो कि 5500 से 6000 तक आप मान के चलना कि आपके लग सकते हैं रुपए, ठीक है। तो फीस ज़्यादा नहीं लगती इसमें, जैसे नैलेट की फ़ीस है, बस आपको वही देनी है, चाहे आप पढ़ाई सेल्फ स्टडी से करो, लेकिन बुक तो लाओगे कम से कम, तो बुक से ला के आप पढ़ाई कर सकते हो घर पे रह के, ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये इसका प्रोसेस है, डायरेक्ट करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्टीट्यूट से करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको पास करना है, और पास करने के लिए आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आप किसी इंस्टीट्यूट से ले सकते हो या ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और साथ साथ कोई कोर्स भी कर सकते हो।
अगर आपका इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8505848968। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा वो वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।